हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 के लिए है। आज हम चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ 4 cos³θ - 3 cos θ एंड 4 sin³θ - 3 sin θ, इनकी वैल्यू निकालनी है। जबकि आपको दिया गया है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जब दी गई है तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं, हमें जो गिवन है, हमें दिया गया है cos θ = √3/2। अब यहां पे देखिए cos का रेशियो क्या होता है, आपको पता होगा cos θ = PBPHHB होता नहीं, देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं PBP और HHB, ये होता है किसके लिए, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए, ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए और ये कोसेक के लिए, है ना। ये देखिए PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक बताई गई थी ना, इससे आप देख सकते हैं कॉस वाला रेशियो क्या होता है, कॉस वाला रेशियो होता है B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम लिख ले रहे हैं कॉस थीटा यानी कॉस का रेशियो होता है B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये वैल्यू आपको दी गई कितनी, √3/2 यानी बेस क्या है यहाँ पे, √3 है और हाइपोटेनियस क्या है, 2 है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ले लिया, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये रहा राइट एंगल। तो यहां देखिए हमें क्या दिया गया, कॉस थीटा, तो ABC हम कहीं भी ले सकते हैं, चलिए यही ले रहे ABC, एंगल जो लेना है वो क्या है, यहाँ पे थीटा, तो एंगल यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस हम ले रहे हैं क्या, थीटा, हमने थीटा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे थीटा हमने यहाँ लिया है, एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ लिया है, तो यही डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। तो थीटा के सामने वाली साइड यानी BC क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जिस पे यानी कि एंगल जो थीटा है वो जिस साइड पे बना है वो क्या होगा, बेस होगा, यानी AB क्या है, बेस, थीटा के अकॉर्डिंग BC परपेंडिकुलर और बेस AB, हाइपोटेनियस तो AC होगा ही, हाइपोटेनियस की पहचान सिंपल, जो राइट एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ से वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, बेस कितना, √3, तो बेस हो जाएगा √3 हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हाइपोटेनियस आपका 2, तो हाइपोटेनियस हम 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये √3 है, √3। अब यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। चलिए यहाँ हम लिख ले रहे हैं ट्रायंगल ABC, आप लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, चलिए ट्रायंगल ABC यहाँ पे ले लिया गया, और इसमें देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलिए हाइपोटेनियस क्या है, AC, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC का स्क्वायर, बेस क्या है, AB, AB का स्क्वायर, चलिए वैल्यू जो जो दी गई लिख दे रहे हैं, AC स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB तो √3 है, BC कितना है, BC नहीं है, BC हमें निकालना है, BC स्क्वायर, AB हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, BC स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे √3 का स्क्वायर, यानी 3, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए अब यहाँ हो जाएगा 4 - 3 = BC² आ गया 1, यानी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो BC की वैल्यू आ गई कितनी, 1, ये BC कितना आ गया, 1, BC आ गया 1, हमने लिख दिया 1। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हम ये देखिए पे, क्योंकि हमें यहाँ cos 4 cos³θ - 3 cos θ, अगर केवल इसकी वैल्यू चाहिए होती तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू दी गई थी, cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते, इसकी यहाँ पे 4 cos³θ - 3 cos θ इसकी वैल्यू आ जाती, लेकिन हमें यहाँ देखिए 4 sin³θ - 3 sin θ इसकी वैल्यू भी निकलनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हमें साइन थीटा का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू निकाल ली, BC की वैल्यू कितनी आ गई,
वन आ गई। हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि साइन थीटा की इसकी वैल्यू निकालने के लिए फोर साइन क्यूब थीटा माइनस थ्री साइन थीटा इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि यहाँ रेशियो कौन सा यूज हुआ है साइन थीटा है ना, इसके बिहेव निकल जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू दी गई इसका तो आ जाएगा। ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया किसके लिए किया, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए अब यहां निकालते हैं, यहां लिख दे रहे सो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है यहां देख लीजिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच। अब यहां पर देखिए क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, साइन का रेशियो पता है साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है बीसी, हाइपोटेनियस क्या है एसी। तो चलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी बीसी अपॉन एसी यहां लिख ले रहे हैं क्या बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी लिख लिया। बीसी अपॉन एसी वैल्यू क्या है साइन थीटा की, बीसी कितना है बीसी है वन अपॉन एसी, एसी कितना है एसी है टू, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू है ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू। चलिए तब यहां देखिए कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहां इसकी वैल्यू निकाल लेंगे साइन थीटा की ठीक है। चलिए अब जो जो वैल्यू आई है केवल हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें पुट करना ठीक है। चलिए निकालते हैं, ये क्लियर हो गया ना, ये पूरा प्रोसेस किस लिए किया गया साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, साइन थीटा की वैल्यू यहां देखिए निकाल लिया वन अपॉन टू पी अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी हाइपोटेनियस एसी, बीसी अपॉन एसी यानी वन अपॉन टू ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं फिर आगे बताते हैं, अब इसकी वैल्यू निकाले हमें पता लग गया साइन थीटा की वैल्यू कितनी है और कॉस थीटा की वैल्यू यहां दी गई ठीक है। इतना कर लीजिए इसके बाद करना है, चलिए पहले हम निकालते हैं इसकी वैल्यू ठीक है। यहां भी कह रहे हैं क्या ये फोर कॉस क्यूब थीटा, देखो फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रूट थ्री अपॉन टू, यहाँ जहां जहां कॉस थीटा वहां क्या पुट करेंगे रूट थ्री अपॉन टू, तो हो जाएगा फोर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रूट थ्री अपॉन टू, तो यहाँ हम रख दे रहे हैं रूट थ्री अपॉन टू। और यहाँ देखिए कॉस थीटा की वैल्यू रख दे, यहाँ क्यूब लिखा है ना कॉस क्यूब थीटा यानी यहाँ पे क्यूब लगा लेगा ठीक है, माइनस थ्री कॉस थीटा थ्री इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ फोर इंटू अब रूट थ्री अपॉन टू का होल क्यूब, रूट थ्री अपॉन टू का होल क्यूब यानी इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे रूट थ्री अपॉन टू इंटू रूट थ्री अपॉन टू इंटू रूट थ्री अपॉन टू, तो न्यूमेरेटर कितना आ जाएगा रूट थ्री को थ्री टाइम्स कराएंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो कितना आएगा थ्री रूट थ्री, यहाँ आ जाएगा थ्री रूट थ्री अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा टू को थ्री टाइम्स कराएंगे टू टू का फोर टू का एट, यहाँ पे आ जाएगा एट माइनस, यहाँ कितना है यहाँ आ जाएगा थ्री रूट थ्री अपॉन टू, ये आ गया। अब यहाँ देखिए फोर वन का फोर फोर टू का एट, यहाँ आ गया थ्री रूट थ्री अपॉन टू, थ्री रूट थ्री अपॉन टू माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू, थ्री रूट थ्री अपॉन टू, अब थ्री रूट थ्री अपॉन टू माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू, यह क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो कैंसिल कर दें या फिर कह सकते हैं थ्री रूट थ्री अपॉन टू माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू आ जाएगा जीरो, कितना आ गया ये जीरो आ गया ठीक है। यानी फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी ठीक है, ऐसे वैल्यू रख लेनी। चलिए और क्या चाहिए अब आपको, इसकी वैल्यू निकालनी फोर साइन क्यूब थीटा माइनस थ्री साइन थीटा, इसकी भी चलिए निकाल लेते हैं आगे ऑल्सो करके, ये लिख दे रहे देखिए ऑल्सो क्या है फोर साइन क्यूब थीटा, फोर साइन क्यूब थीटा माइनस थ्री साइन थीटा। चलिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमने निकाली थी ना मिटा थी, साइन थीटा की वैल्यू आई थी वन अपॉन टू, साइन थीटा की वैल्यू आई थी वन अपॉन टू है ना। चलिए यहां से भी देख सकते हैं साइन थीटा, थीटा ये है थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो साइन क्या होता है साइन का रेशियो होता है देखिए पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी वन अपॉन टू, अभी हमने निकाला था ना साइन थीटा की वैल्यू वन अपॉन टू, तो चलिए यहाँ यहाँ साइन थीटा क्या पुट करेंगे वन अपॉन टू, तो यहाँ हो जाएगा फोर इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी वन अपॉइंट टू, तो यहाँ वन अपॉइंट टू पुट कर देंगे, देखिए यहाँ क्यूब लगा है तो क्यूब रहेगा माइनस थ्री इंटू यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी वन अपॉइंट टू, तो यहाँ आ जाएगा फोर इंटू वन अपॉइंट टू का होल क्यूब यानी आ जाएगा वन अपॉन एट, वन अपॉन एट माइनस यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा थ्री अपॉइंट टू, और यहाँ देखिए फोर वन का फोर फोर टू का एट
कितना आ गया, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 1/2 माइनस यहाँ कितना है, यहाँ है 3/2, तो 1/2 माइनस 3/2, यहाँ देखिए दिस इंप्लाइज है सॉल्व कर ले रहे हैं इस साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3/2 है ना, एलसीएम ले लेंगे एलसीएम, तो 1 - 3/2 यहाँ आ जाएगा -2/2 आएगा ना, देखिए एलसीएम ले लेंगे 2 तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 - 3/2 और नीचे कितना है 2 है ये, तो यहाँ पे 1 - 3 यानी -2 - 2/2 यानी ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना -1, कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ देख लीजिए 4 cos θ - 3 cos θ, इसकी वैल्यू कितनी आई 0, और आपका ये है 4 sin θ - 3 sin θ, इसकी वैल्यू कितनी आई -1 है ना, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके कर लीजिए।